हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको ज़रूरत है आपको अपने फ़ोन के अंदर कोई कॉल सेटिंग करनी है, कोई कॉल ब्लॉक करनी हो या नंबर ब्लॉक करना हो तो कैसे कर सकते हैं गाइस, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग एंड कॉल ब्लॉक और कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भूलें ताकि आपको हमारे लिए वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए आपको सबसे पहले अपनी कॉल सेटिंग करने के लिए अपना डायलर ओपन कर लेना है। जैसे ही डायलर ओपन करेंगे तो राइट साइड में आपका 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। जैसे ऐसे इनेबल करते हैं आपके फ़ोन के अंदर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में चले जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपके सॉर्ट बाई नेम और नेम फॉर्मेट मिल जाती है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है डायल पैड साउंड आपकी, जो यहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं और कस्टमाइज करके ऑफ भी करा सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन नए मिल जाते हैं कॉलिंग अकाउंट, कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपकी सिम वन का ऑप्शन मिल जाता है जियो 4G हमारे, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ आपको और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ से आपको अगर अपनी कॉल फॉरवर्ड करनी है या कॉल वेटिंग की प्रॉब्लम हो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉल फॉरवर्ड करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉइस कॉल फॉरवर्ड एंड वीडियो कॉल फॉरवर्ड। तो हमें वॉइस कॉल फॉरवर्ड करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिम नेटवर्क ऑन सिम कार्ड एरर्स, ये सिम कार्ड अभी एरर बता रहा है आपके फ़ोन में जो अवेलेबल हो तो आप यहाँ से इसे अवेलेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे और ऑप्शन मिल जाते हैं एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग में जाके यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल वेटिंग का। ये बाई डिफॉल्ट आपको ऑफ हो तो इसे ज़रूर से ऑन कर दें, इससे आपकी कॉल वेटिंग की जो प्रॉब्लम हो जाती है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाते हैं ब्लॉक नंबर, इस पर क्लिक करके आपको कोई भी एक नंबर ब्लॉक कर सकते हैं जो आपके नंबर हमने कुछ पहले से नंबर इसमें ब्लॉक कर रखे हैं। अगर आपको एक नया नंबर ब्लॉक करना है तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड ए फ़ोन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना नंबर ऐड कर देंगे हम कोई भी, सिंपली इसे नंबर ऐड करेंगे और इसे कर देंगे ब्लॉक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन का नया नंबर ब्लॉक हो चुका है। इन फ्यूचर कभी आपको ये नंबर अनब्लॉक करना है तो सामने इसके क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अनब्लॉक कर देंगे और आपका नंबर हो जाता है अनब्लॉक। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर एक नंबर को भी अनब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉइस मेल मिल जाता है आपको किसी को भेजना चाहते हैं तो वॉइस मेल। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश फॉर कॉल, इसे आप इनेबल कर देंगे तो आपके फ़ोन में जैसे ही आपकी कॉल आती है तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगती है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं ऑफ भी करा सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है यूज़ द लास्ट सिम यूज्ड इन कॉल हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री आप कोई सी सिम की यूज कर सकते हैं। माई वीडियो शो कर सकते हैं आप, कॉलिंग ऑन डिस्प्ले इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फुल स्क्रीन या बर्नर, इसमें आप जो सा भी आपको पसंद हो, आपके फ़ोन में जब कॉल आए तो जो इंटरफेस आपको पसंद हो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें ये वाला पसंद है इसे भी रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आपको थीम्स मिल जाते हैं, थीम्स में क्लिक करें, यहाँ से आपको बहुत थीम मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई तरह के थीम मिलते हैं, जो आपको पसंद हो उसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नीचे आपको अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, अबाउट में जाके आप कुछ भी जान सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ से आप अबाउट में जान सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारे फ़ोन की कॉल सेटिंग की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।